कैसे शुरू हुई शुभ कांवड़ यात्रा, कौन थे पहले कांवड़िया, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो गया है और इसके साथ ही केसरिया कपड़े पहने शिव भक्तों के जत्थे गंगा का पवित्र जल शिवलिंग पर चढ़ाने निकल पड़े हैं। ये जत्थे, जिन्हें हम कांवड़ियों के नाम से जानते हैं, उत्तर भारत में सावन का महीना शुरू होते ही सड़कों पर दिखाई देने लगते हैं। पिछले दो दशकों से कांवड़ यात्रा की लोकप्रियता बढ़ी है और अब समाज का उच्च एवं शिक्षित वर्ग भी कांवड़ यात्रा में शामिल होने लगा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कांवड़ यात्रा का इतिहास? सबसे पहले कांवड़िया कौन थे? इसे लेकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यता है, आइए जानें विस्तार से। परशुराम थे पहले कांवड़िया। कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थित पुरा महादेव का कांवड़ से गंगाजल लाकर जलाभिषेक किया था। परशुराम इस प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल लाए थे। आज भी इस परंपरा का पालन करते हुए सावन के महीने में गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर लाखों लोग पुरा महादेव का जलाभिषेक करते हैं। गढ़मुक्तेश्वर का वर्तमान नाम ब्रजघाट है। श्रवण कुमार थे पहले कांवड़िया। वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि सर्वप्रथम त्रेतायुग में श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा की थी। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के क्रम में श्रवण कुमार हिमाचल के ऊना क्षेत्र में थे, जहां उनके अंधे माता पिता ने उनसे मायापुरी यानी हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की। माता पिता की इस इच्छा को पूरी करने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार लाए और उन्हें गंगा स्नान कराया। वापसी में वे अपने साथ गंगाजल भी ले गए। इसे ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। भगवान राम ने की थी कांवड़ यात्रा की शुरुआत। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान राम पहले कांवड़िया थे। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगाजल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। रावण ने की थी इस परंपरा की शुरुआत। पुराणों के अनुसार कांवड़ यात्रा की परंपरा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन से निकले विष को पी लेने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। परंतु विष के नकारात्मक प्रभावों ने शिव को घेर लिया। शिव को विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त कराने के लिए उनके अनन्य भक्त रावण ने ध्यान किया। तत्पश्चात कांवड़ में जल भरकर रावण ने पूरा महादेव स्थित शिव मंदिर में शिवजी का जल अभिषेक किया। इससे शिवजी विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हुए और यहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा का प्रारंभ हुआ। तो ये थी कांवड़ यात्रा के बारे में कुछ जानकारियाँ। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना और हमारे चैनल DKN प्रोडक्शन हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव।